आप देख रहे हैं दस्तक भारत डिजिटल टीवी। प्रस्तुत है दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां सपा नेता और भूमाफिया घोषित किए गए पप्पू गंजिया के नैनी स्थित आज आलिशान फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां सराय अकील कोतवाली में पुलिस ने जागरूकता का संदेश देते हुए गैंग रेप पीड़िता से मिशन शक्ति हेल्प डेस्क का उद्घाटन कराया। खबर मेरठ जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के तहत मवाना पूर्वी मंडल के प्रथम सत्र का शुभारंभ जिला महामंत्री अंकुर मुखिया ने किया। मेरठ जिले के कई थानों में महिला शक्ति, आधुनिक महिला स्वावलंबन, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, मिशन शक्ति हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। प्रदेश पुलिस मुखिया की अगवानी में आईजी जोन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीजीपी मेरठ जोन मेरठ परिक्षेत्र के आदेशों का पालन करते हुए उक्त कार्यक्रम को दिशा दी गई। नवरात्रि के पर्व पर मेरठ परिक्षेत्र गढ़नगर में कई वर्ष पुराने कात्यायनी देवी मंदिर में नवरात्रि के चलते सप्तमी व्रत पर हर वर्ष की भांति लगने वाले मेले में इस बार कोरोना का असर देखने को मिला। खबर अयोध्या जिले से है, जहां पर मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, आगंतुक महिला हेल्प डेस्क का मिल्कीपुर सर्किल के कुमारगंज थाना इनायत नगर थाना खंडासा में कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज की डॉक्टर नमिता जोशी ने शुभारंभ किया। प्रयागराज जिले में गंगा विचार मंच के स्वयं सेवकों ने अनामिका चौधरी के नेतृत्व में कोटेश्वर महादेव मंदिर, शिवकुटी एवं गंगा घाट पर कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव हेतु जन जागरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, पॉलिथीन मुक्त गंगा तट एवं नदी के जल के निर्मलीकरण के लिए अभियान चलाया। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने धान खरीद की शिकायत को लेकर अखंड नगर स्थित क्रय केंद्र पहुंचकर लापरवाही कर रहे कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। अमेठी जिले के भेटुआ ब्लॉक समाज सेवी पंडित सूर्यभान तिवारी उर्फ मदन ने फिर दरियादिली दिखाते हुए मां काली के चबूतरे का निर्माण कराने के लिए आगे आकर चबूतरे की प्रथम ईंट रखकर शुभारंभ किया। सुल्तानपुर जिले में कांग्रेसियों ने धान क्रय केंद्रों पर हो रही किसानों की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी सुल्तानपुर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सुल्तानपुर जिले में सांसद मेनका गांधी ने नगर कोतवाली से मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्थ का शुभारंभ किया। विधायक सीताराम वर्मा, जिला अधिकारी रवीश कुमार व पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने महिला सुरक्षा व जागरूकता से संबंधित लोगों को दी जानकारी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाली अनन्या और निष्ठा शर्मा हो सम्मानित। मिर्जापुर जिले में नवरात्रि के सातवें दिन विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की काल रात्रि के रूप में पूजा अर्चना की गई। दस्तक भारत की बुलेटिन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल दस्तक भारत।